अगर तुम भी ऐसे आर्टवर्क बनाना चाहते हो और तुम उसकी तरह रोना नहीं चाहते तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। अगर तुम्हें भी ऐसे कूल आर्टवर्क्स बनाने हैं तो अगर आपसे भी आउटलाइन नहीं बनती तो मैं आपको बताने वाला हूँ ईजीएस्ट मेथड टू ड्रॉ आउटलाइन। आपको अपना फ़ोन लेना है और उसमें एक एप्लीकेशन को डाल लेना है, ग्रिड मेकर। अब जब आप ये एप्लीकेशन डालेंगे तो आपके पास ऐसा इंटरफेस आएगा, फिर आपको A4 साइज़ जिस साइज़ में आप काम कर रहे हैं और वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल चूज़ कर लेना है। फिर आपकी गैलरी से आपको वो फ़ोटो चूज़ करना है जो आपको बनाना है। अब वो आप एडजस्ट कर लेंगे थोड़ा क्रॉप करके कि कितना आपको बनाना है। उसके बाद इस पर ग्रिड बने आ जाएंगे। अब ग्रिड का साइज़ आप यहाँ mm में है, यानी यहाँ अगर आप 20 mm डालेंगे तो ये 2 cm का बनेगा और 30 mm तो ये 3 cm। तो मैं तो 30 mm पे काम करूँगा, 3 cm पे। अगर आप बिगनर हैं तो आप छोटे बॉक्सेस ले सकते हैं, क्योंकि जितना आप छोटा बॉक्स लेंगे उतना आपके लिए आसान रहेगा। और इसमें आप ग्रिड का कलर भी चेंज कर सकते हैं, जैसे रेड, ग्रीन। और स्ट्रोक का साइज़ आप इन स्ट्रोक को मोटा भी कर सकते हैं इतना, और पतला भी कर सकते हैं खाली इनका नंबर चेंज करके। इसके बाद इस ऐप में एक फीचर है कि आप इसकी फ़िल्टर चेंज कर सकते हैं। आप इसे आउटलाइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं इफ़ेक्ट लगा के, पर मैं इतना प्रेफर नहीं करता। आप नॉर्मली बनाएं, ये तो बहुत इजी हो जाएगा। फिर तो आपको सारी चीज़ें पहले से मिल रही हैं, आपको बस कॉपी पेस्ट करना है। तो आप कुछ ही सीख ही नहीं पाएंगे बिल्कुल, जो भी सीख रहे थे। तो ऐसे ही आपको बन जाएगी। तो आपको एक ये ऑप्शन मिलेंगे डायगनल्स, अगर आपको बहुत हाइपर रियलिस्टिक और एक्यूरेट बनाने तो डायगनल्स यूज़ कर सकते हैं। और इसमें काफ़ी ऑप्शन है, आप इसमें लेबल लगा सकते हैं। मैं तो खाली लाइन और लेबल यूज़ करता हूँ, डायगनल्स वगैरह मैंने आज तक यूज़ नहीं किया है। उसके बाद आप इस फ़ोटो को सेव भी कर सकते हैं ऐसे जाके, फिर आपकी फ़ोटो सेव हो जाएगी। अब आपको अपने पेपर पे भी 3 cm के ही बॉक्सेस ड्रॉ करने हैं दोनों साइड। ऊपर की साइड मेरे 3 cm के 7 boxes बने और साइड से मेरे बने 10 boxes, क्योंकि ये A4 साइज सीट थी। इसकी जो रहती है ऊपर से विड्थ जो रहती है वो रहती है इसकी 21 cm, और इसकी लेंथ जो रहती है वो रहती है 30 cm। आपको भी अपने पेपर पे ऐसे ही बना लेनी है। देखो मैं बता रहा था, अगर आप बिगनर हो तो आप ज़्यादा बॉक्सेस बनाइए, क्योंकि वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगी एक्यूरेट बनाने में। और आप जब सीख जाएं तो आप बड़े करते रहें बॉक्सेस के साइज़, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। अब आपको जब उस पर आपके फ़ोन में भी और आपके पेपर पर भी ग्रिड बन जाए तो जिस बॉक्स में जौन सी चीज़ है उसे आपको ड्रॉ करनी है। जैसे इसमें था साइड से थर्ड वाले बॉक्स और ऊपर से सेकंड वाले बॉक्स में, तो मैंने उसमें ड्रॉ करना चालू कर दिया इसके हेयर्स को। देखो काफ़ी प्रो आर्टिस्ट अगर कोई देख रहा होगा कहेगा कि ग्रिड मेथड एक अच्छा मेथड नहीं है। हाँ मैं मानता हूँ ग्रिड मेथड सीखने के लिए बिल्कुल भी अच्छा मेथड नहीं है, पर अगर कोई कैजुअली बनाना चाहता है उसे एक्यूरेसी ज़्यादा चाहिए तो ग्रिड मेथड एक बेस्ट मेथड होता है। और अगर आप ड्राइंग सीखना चाहते हैं तो आप ग्रिड मेथड का यूज़ ना करें, क्योंकि आप इससे बेसिक वगैरह कुछ नहीं सीखते। आप बस उन एक बड़ी ड्राइंग को छोटे ड्राइंग्स में तोड़ के एक बॉक्सेस में तोड़ के ड्रॉ करते हैं। मैं आपको प्रेफर करूँगा, अगर आपको थोड़ा बहुत सीखना भी है तो आप थोड़े बड़े बॉक्सेस बनाइए, इससे आप ऑब्ज़र्व करके ज़्यादा बना पाएंगे इससे, क्योंकि आपकी हेल्प कम होगी। और अगर आप इस कैरेक्टर का नाम जानते हैं तो मुझे आप कमेंट्स में बताइए, और बताइए आपका इस एनीमे से फेवरेट कैरेक्टर कौन है। हमारी ड्राइंग बन चुकी है, अब आप रिवील एंजॉय करिए।
has no limits.